एवरीवन, वेलकम बैक टू डीजेस हो। क्या होता है कि अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, उसके साथ साथ अभी दिवाली भी आने वाली है। हम मॉल्स जाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, एंड जब हम बाहर निकलते हैं और साइड में हमें एक स्टोर दिखाई देता है, जो कि स्टोर बहुत ही क्यूट स्टफ के साथ होता है और उस स्टोर का नाम होता है मिनीसो। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है और इतनी ह्यूज वैरायटी मिलती है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या ये चीज़ हमारे लिए यूजफुल रहेगी और प्राइस भी काफ़ी कम होता है। तो आज मैं आप लोग के साथ ऐसे ही अंडर 300 मिनीसो हॉल शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, जो कि लास्ट मैंने 6 to 12 months तक खरीदे हैं और यूज़ किए हैं। वही प्रोडक्ट आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक डीजीज होम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब डीजीज होम। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर मिनीसो का मेरे को ऑनलाइन जो है वेबसाइट का लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर कुछ प्रोडक्ट जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो भी मुझे मिलते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इस बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और टाइम हमारे पास कम है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको वहां पे मेकअप एंड वहाँ पे परफ्यूम का एक सेक्शन होता है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स होते हैं। तो मैंने रिसेंटली अभी ये न्यू बॉटल परचेज की है एंड मेरी ओल्ड बॉटल ये है, एंड इसको मैंने काफ़ी यूज़ भी कर लिया है। मैं ट्रैवल करने के लिए मैंने यही लेके गई थी और आप देख सकते हैं काफ़ी यूज़ हो गई है ये। एंड ये 200 rupees का बॉटल है। इसका फ्रेग्रेंस लास्ट करता है 3 to 4 hours के लिए और फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते हैं एंड बॉटल भी काफ़ी स्लीक सी है, तो आप ट्रैवल करने के लिए ईजिली इसको कैरी कर सकते हैं। और रिसेंटली मैंने ये परचेज किया है ब्रिलियंट स्टार्स करके, एंड ये अभी मेरा पैक है, इसको मैंने ओपन नहीं किया। तो एज अ गिफ्ट भी आप किसी को दे सकते हैं, डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं परफ्यूम सेक्शन। एंड डेफिनेटली मिनीसो के रेजर्स काफ़ी फेमस है एंड सारे इन्फ्लुएंसर्स बात करते रहते हैं उसके फेस रेजर की, बट मुझे फेस रेजर उतना पसंद नहीं आया है, लेकिन उसका जो बॉडी रेजर है काफ़ी अच्छा है। तो मैंने ये बॉडी रेजर खरीदा था, बट ये हमेशा स्टॉक में नहीं होता है, उनके रेजर्स कभी हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। बट डेफिनेटली ये क्वालिटी बड़ी अच्छी है और प्राइस काफ़ी कम। इसमें मेरे को 5 का सेट मिला था एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी है ये। एंड नेक्स्ट आपको जो मैं स्टफ दिखाने वाली हूँ वो ये बहुत सारे कॉटन पैड्स हैं जिनका पैकेट आता है और काफ़ी अच्छे और रिजनेबल रहते हैं। 150 rupees में आपको काफ़ी बड़ा पैकेट मिल जाता है जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं एंड बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाता है। एंड उस प्राइस के साथ साथ आप देख सकते हैं ये कितना क्यूट सा बॉक्स है। ये भी मैंने मिनीसो से खरीदा है 150 rupees में। तो ये ऐसा रखने के लिए इसमें मैंने अपने ये कॉटन पैड्स डाल के रख दिया है और ये डेकोरेशन के हिसाब से भी बहुत क्यूट लगता है, तो मैंने ये खरीदा था। एंड उसके अलावा आपको ये जो एक्रेलिक वाले ये जो स्टफ मिल जाएगा आपको वहाँ पे, ये जैसे कि मैंने इसमें ब्रशेज रखे हुए हैं और ये आपको देख सकते हैं आप, ये 3 का सेट है। आप इसमें अपने पेंसिल्स रख सकते हैं या आप अपने किचन में भी इसको रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, आपको ट्रांसपेरेंट है। तो ये भी अंडर ये 150 rupees ऐसे ही मुझे मिला है, 150 rupees या 200, तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। तो ये मैंने मिनीसो से रिसेंटली परचेस किया है। एंड मैंने जो मिनीसो से परचेस किया है और वो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग ने अगर मेरे किड्स का जो मैंने बच्चे का बनाया था टॉय एंड बुक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वीडियो, तो उसमें मैंने आपको दिखाया भी है। तो ये काफ़ी अच्छी बास्केट, आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हैं। एंड ये जो है ये बहुत स्टर्डी है और मतलब लाइक इसको टच करने से आपको पता चलता है कि कितनी अच्छी है और दिखने में भी बहुत स्टाइलिश लगती है। एंड आप इस तरह की बास्केट वहाँ से डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये रग, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। आप देख सकते हैं ये है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, बट काफ़ी ब्यूटीफुल सा रग है, आप ये देख सकते हैं। इसमें मैं ही ढक गई। ये 250 rupees का जूट का रग है, बहुत सुंदर है। तो ये मैंने एज अ टेबल के ऊपर टेबल मैट जैसे रखने के लिए या कहीं भी ऐसे डालने के लिए लिया है और ये काफ़ी प्रिटी लगता है, ऐसा लगता है कि हैंड पेंटिंग किया हुआ है। तो ये रग मैंने रिसेंटली लिया। मिनीसो में ना इस तरह के टॉवल्स मिलते हैं, हेडबैंड्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आप कोई फेस पैक लगा रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये टॉवल काफ़ी पसंद है गाइस। तो डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अलग से एक टॉवल रखें और जो कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ का हो। तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, ये मेरा सेकेंड टॉवल है और ऐसे ही मैंने अपनी मदर लॉ के लिए भी लिया है और इसका प्राइस भी काफ़ी कम होता है, 150 या 200 rupees में आपको मिल जाता है। ये दो तरह के होते हैं, कैप वाला भी आता है और एक ये बटन वाला आता है। तो मुझे ये बटन वाला पर्सनली पसंद है, ये आपका इलास्टिक होता है और यहाँ पे बटन आपका लग जाता है। तो डेफिनेटली आप इसको जरूर से जरूर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको अब किचन के लिए जो मैंने कंटेनर्स यूज़ किए वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और जो कि सबसे बेस्ट परचेज है और वो डेली यूज़ होता है गाइज, मेरे घर पे डेली यूज़ होता है, और वो है ये कांच के पॉट्स या जार जो भी बोल सकते हैं आप, और ये एयर टाइट है एंड इसमें हमारा लेफ्ट ओवर फूड हो गया या हमें कुछ भी हीट करना है, ये बोरोसिलाइट जैसे बोरोसिल होता है वैसे ही ये उस मटेरियल का ही बना हुआ है।
एंड ये काफी अच्छा है गाइस। और एक इस तरह का आता है, आपको एक इस तरह का मिलेगा और एक इस तरह का मिलेगा, और ये सिर्फ 200 रुपीज ईच है, और ये इस तरह का, और ये थोड़ा बिग साइज में है। तो इसमें फूड को गर्म करने के लिए, लेफ्ट ओवर फूड रखने के लिए ये बेस्ट है गाइस। ये तो मैं हमारे यहाँ पास ये पूरे 4 से 5 कंटेनर है ऐसे, क्योंकि छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा फूड बचता है, तो आप उसमें डाल के आप आराम से अपने फ्रिज में रख सकते हैं। सो वहाँ पे ना इस तरह का बॉक्स मिलता है, और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है गाइस। तो ये मैंने अपने बटर रखने के लिए यूज़ किया है। तो ये जो बॉक्स है ये मैंने किचन के लिए, मतलब बटर के लिए यूज़ किया। उसके साथ साथ इस तरह के आपको वहाँ पे एयर टाइट, आप देख रहे हैं ये एयर टाइट है, तो ये एयर टाइट आपको इस तरह के, ये तो ये मैंने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी और लिंक भी दे दूंगी, तो फ्रिज जाके देखिए। वहाँ पे मैंने बहुत सारे मीनू से कंटेनर लिए हैं जिनको मैंने यूज़ किया है अपने फ्रिज में, एंड उसी में से ये यहाँ पे मैं आपको दो और कंटेनर दिखा रही हूँ। एक ये छोटे बॉक्स के है और एक ये बड़ा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इधर से भी ओपन हो जाता है, और ये इधर से भी आप उसको छोटे तरफ से भी ओपन कर सकते हैं। एंड ये भी काफ़ी स्टडी है और काफ़ी अच्छा लगता है ये, इस तरह की ये गुड क्वालिटी के प्लास्टिक के बॉक्स बनाए हुए। तो मैं जब एक बार ना मीशो के स्टोर गई थी, जब मेरे को अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज करना था उसके पहले, तो लाइक वहाँ पे यही सब आया हुआ था, आइटम न्यू स्टॉक था। तो मैंने यहाँ ये कम से कम बहुत सारे कंटेनर ले लिए और रख लिए, पर उसके बाद मुझे ये कम दिखा है। तो डेफिनेटली आपको जब भी दिखे तो आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये स्टॉक खत्म हो जाता है। एंड ये मैंने 140 रुपीज़ का यहाँ पे आपको 6 पीस का ये क्लिनिक क्लॉथ मिलता है। ये इस तरह का क्लॉथ है गाइज, ये ना जूट टाइप का क्लॉथ है, तो ये और हल्का सा ये इसमें ऐसे स्क्रबी टाइप का है। तो ये किचन को क्लीन करने के लिए और ऐसे सरफेस को क्लीन करने के लिए जहाँ पे इस टाइप का क्लॉथ की ज़रूरत है, डाइनिंग टेबल को या अपने अपने जैसे क्रॉकरीज को, इन सबको आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्लॉथ मिला मुझे, कुछ डिफरेंट लगा। तो ये 140 का 6 पीस मैंने खरीदा था। एंड उसके अलावा एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ मैंने खरीदी थी मिनीसो से, और जो कि ये इस तरह के बास्केट है, तो मुझे काफ़ी यूजफुल रहे, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि मेरे पूरे वायर्स वगैरह, कैमरे का वायर हो गया और दुनिया भर के जैसे चार्जर्स हो गए, सब इसके अंदर मैं डाल के रख देती हूँ। और ये बहुत क्यूट भी दिखता है, तो ये ऐसे अंदर डाल के स्टडी भी करता है, बंद भी जाता है। तो इसका मैंने एक और पीस लिया था, ये ऐसे 2 पीस में आता है, अलग अलग लिया है ये मैंने, ये 190 रुपीज़ का है, काफ़ी क्यूट है ये भी, ये ऐसे हो जाता है। एंड इसका जो क्वालिटी है वो ऐसा नहीं है कि कोई पतले फाफड़े कपड़े जैसा है, वैसा नहीं है, ये अच्छा स्टडी मटेरियल है। तो ये मेरे को काफ़ी क्यूट लगा और यूज़फुल भी रहा, मेरे सारे वायर्स हो गए, चार्जर्स हो गए, उसको डाल के मैं ऐसे रखूँ तो वो अच्छा भी दिखता है, क्यूट भी दिखता है। सो गाइज, ये थे वो सारे प्रोडक्ट जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ, डेली बेसिस पे मेरे घर पे यूज़ हो रहे हैं, वही मैं आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। एंड डेफिनेटली आप जाएंगे तो ये सारे प्रोडक्ट वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैंने पहले ना सोचा था कि मैं ना 1 मिनट में शॉर्ट वीडियो में दिखा दूँ, बट वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट थे और मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी इसलिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी पूजा गाइस।